नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि झारखंड के देवघर में यह हादसा हुआ। चार धाम यात्रा पर निकले थे प्रदेश के श्रद्धालु और बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त और हादसे में 6 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम से पूजा कर ये लौट रहे थे छत्तीसगढ़। बस में 55 यात्री सवार थे और इस हादसे की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झारखंड के देवघर में यह हादसा हुआ। चार धाम यात्रा पर निकले हुए थे श्रद्धालु और श्रद्धालुओं से भरी हुई बस हादसे का शिकार हो गई। 6 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम से पूजा कर लौट रहे थे और बस में करीब 55 यात्री सवार थे। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, दरअसल ये देवघर से तस्वीरें सामने आई। देवघर में बाबा के दर्शन कर वहां से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। चार धाम यात्रा पर निकले थे प्रदेश के श्रद्धालु और इस दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में 6 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बाबा बैद्यनाथ धाम से पूजा कर लौट रहे थे। देवघर सहयोगी हमारे मनीष दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, कैसे यह हादसा हुआ, क्या है डिटेल्स इस हादसे से जुड़ी? देखिए, छत्तीसगढ़ से जो है 55 यात्रियों की जो बस है वो छत्तीसगढ़ के लिए निकली थी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद। ये सभी लोग चार धाम यात्रा पर निकले थे, सभी जगह इन लोगों ने पूजा अर्चना कर ली थी। अंतिम यहाँ पर बैद्यनाथ धाम में पूजा करके जब वापस जा रहे थे, इसी दौरान बुढ़ई में जो है ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी लोग घायल हुए थे इसमें, हल्की फुल्की सभी लोगों को चोट लगी है, लेकिन 6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जो है स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा भी अभी पहल की जा रही है कि इन सभी यात्रियों को सुरक्षित इनके घर तक, इनके गंतव्य तक पहुंचाने की, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ यहाँ इस तरह से तीर्थयात्री आते ही रहते हैं और इस तरह की एक घटना जो हो गई है उसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और लगातार सभी मरीजों का जो है हालचाल खुद देवघर के सिविल सर्जन युद्ध प्रसाद किशोर भी ले रहे हैं और लगातार जो है उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और जबलपुर से खबर आपको बता दें, एनआईए की रेड दिल्ली से आई। एनआईए की टीम ने छापा मारा, एटीएस जबलपुर पुलिस के साथ मिलकर छापा मार रही है। दरअसल 6 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा गया, कई घरों में सर्च किया गया और एनआईए को जबलपुर में इनपुट मिला था। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, विदेशी फंडिंग से संबंधित इनपुट मिला था, आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के संबंध में ये जानकारी थी। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। दरअसल उमती गोहलपुर सिविल लाइन रद्दी चौकी में छापेमारी की गई और सुप्रीम कोर्ट के वकील ए उस्मानी के घर पर सर्चिंग और खान क्लासेस के संचालक रहीम खान के घर पर भी छापा मारा गया। मकसूद कबाड़ी के घर भी एनआईए का छापा पड़ा है। दरअसल हथियार और संदिग्ध साहित्य यहां से बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई स्थानीय पुलिस के सहयोग से की जा रही है। आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन का यहां पर शक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ए उस्मानी के घर पर भी सर्चिंग की जा रही है। खान क्लासेस के संचालक की जानकारी ली जा रही है, वहां छापेमारी की जा रही है और साथ साथ ये जो पूरा मामला है इसमें दिल्ली से आई एनआईए की टीम जांच कर रही है। और इस संबंधित कार्रवाई से जुड़ी क्या कुछ डिटेल्स है हमारे सहयोगी पवन पटेल जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह के आधार पर एनआईए की टीम ने कल जबलपुर में छापा मारा है। देर रात एटीएस और एनआईए की टीम जबलपुर पहुंची और एक साथ जिले के कम से कम 7 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई जगहों पर संदिग्ध चीजें भी बरामद की गई हैं। इस वक्त हम ओमती चौक पर खड़े हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि सामने हमारे एक बोर्ड है, ए उस्मानी एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और इनके घर पर देर रात छापा मारा गया। उसके बाद में वहां करीब 4 बजे तक जांच की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि संदिग्ध लिटरेचर वहां से मिला है। इसके अलावा टेरर फंडिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की भी
महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, लेकिन चूंकि एनआईए की टीम ने जांच की है, बेहद गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से यह पूरी जांच की गई है, इसलिए इसमें क्या मिला है, किस किस लोगों के शामिल होने की जानकारी है, यह अभी तक गुप्त रखा गया है। लेकिन जबलपुर में मकसूद कबाड़ी, एडवोकेट ए उस्मानी और एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका जो एडवोकेट के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ पर भी जांच की कार्रवाई की गई है। और ये पूरा शहर पूरा आज जो है सुबह से इसी चर्चा में डूबा हुआ है कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या जानकारी मिली थी, ऐसी क्या खबर थी जिसके बाद एनआईए की टीम ने जांच की है। फिलहाल इस शहर में शांति है और एनआईए की टीम के वापस जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या उन्हें मिला है और क्या आगे की कार्रवाई होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई और ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब बड़गांव थाना इलाके के मेंढरा जंगल इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, तभी नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया, नक्सलियों को भी गोली लगी है और मुठभेड़ की सूचना के बाद आला अधिकारी और मेडिकल सपोर्ट घटनास्थल पर पहुंचे हैं और यहां मुठभेड़ संबंधी पूरी जानकारी दे रहे हैं खेम नारायण शर्मा। बीती रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर आई तो वहीं जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला नक्सली को भी घायल कर दिया है और उस महिला नक्सली को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं नक्सलियों के कायराना करतूत आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको जवाबी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी लगे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसी के फलस्वरूप कल बीती रात जब मुठभेड़ हुई तो उसमें एक जवान घायल तो हुआ जरूर, लेकिन नक्सलियों को भागने पे मजबूर कर दिया गया। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। और रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। बदमाशों ने एक बार फिर पुलिसिया महकमे को चुनौती देते हुए एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। महज ओवरटेक करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और बदमाश जान लेने पर आमादा हो गए। क्या बदमाशों में अब कानून का खौफ नहीं बचा है, क्योंकि कल भी दो लोगों को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया था। इस पर जानकारी दे रही है तनु वर्मा। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहां आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो सामने आते रहती है। ऐसा ही ताजा मामला आज फिर सामने आया है जहां मोटरसाइकिल में कट मारने को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी देवनारायण दुर्गेश ने संतोष सिंह के सीने पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें संतोष सिंह जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित संतोष सिंह को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये जो पूरा मामला है वो मुजगहन थाना क्षेत्र का है। ऐसा ही मामला दो दिन पहले फिर सामने आया था, जिसमें आदतन अपराधी मुकेश बनिया ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया था। फिलहाल आदतन अपराधी मुकेश बनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती है और आपराधिक घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। देश की धरती पर 70 साल बाद चीता आए। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, लेकिन यहां लगातार हो रही चीतों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। चीतों की निगरानी, कूनो का वातावरण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। क्योंकि चीतों को सुरक्षित रखना सर्वप्रथम लक्ष्य है, लिहाजा अब उन्हें दूसरे अभ्यारण्य में बसाने की कवायद की जा रही है और चीतों को कूनो के अलावा गांधी सागर अभ्यारण्य और गांधी सागर अभ्यारण्य में बसाने की तैयारी की जा रही है और चीतों को नए घर में बसाने की पूरी प्लानिंग क्या कुछ है, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस पर जानकारी दे रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद अब शासन प्रशासन चिंतित है और यही वजह है कि अब चीतों के पुनर्वास को लेकर एक बार फिर से मुहिम शुरू हो गई है। कूनो के अलावा ऐसे
जंगलों की तलाश की जा रही है जहां पे चीतों को सुरक्षित रूप से बसाया जा सके। इसमें अब सबसे पहले गांधी सागर और नोरादेही अभ्यारण्य का नाम निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इन दोनों पार्क की स्थिति, भूगोलिक वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं मौजूद हैं और क्या ये जगह चीतों के लिए मुनासिब साबित होगी, इस पर जो रिसर्च का काम है वो चल रहा है। लेकिन इस सबके बीच महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि जब पूनो नेशनल पार्क में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जांचों को पूरा करने के बाद चीतों की बसाहट की गई थी, उसके बावजूद जो रिजल्ट्स है वो फेवर में नहीं आए, ऐसे में दूसरी जगह चीतों को शिफ्ट करना कितना कारगर और कामयाब होता है। लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि चीतों कि जो लगातार मौत हो रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसका सिलसिला अब थमना चाहिए ताकि हमारी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और राजधानी भोपाल में पुलिस ने ई सिगरेट सहित नशे के प्रोडक्ट बेचने पर एक्शन लिया। धारा 144 के तहत कलेक्टर ने कार्रवाई की है और फ्लेवर्ड हुक्का और निकोटीन प्रोडक्ट पर कार्रवाई हुई। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण और प्रचार पर बैन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बावजूद नशेड़ी बाज नहीं आ रहे और ऐसे उत्पाद बेचने वालों को भी क्या कानून का खौफ नहीं? शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जानकारी दे। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के आदेश करते हुए ये साफ किया है कि राजधानी भोपाल में अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या निकोटिन की जो भी सामग्री है इलेक्ट्रॉनिक, वो अब नहीं बेची जा सकेगी। यदि कोई इसको बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। न केवल बेचने पर कार्रवाई होगी बल्कि अगर कोई इस तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है या किसी हिस्से को अलग करके बेचता है उस पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से हाल ही में देखने में आया कि युवाओं में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और निकोटिन जैसी जो आदतें पड़ती जा रही हैं, जो बुरी लतें पड़ती जा रही हैं, उसको कम करने के लिए कलेक्टर का एक बड़ी आदेश जो है इस आदेश को देखा जा रहा है। देखना होगा कि उनके इस आदेश का कितना असर युवाओं पर या जो विक्रेता हैं उन पर पड़ता है। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम ने सिमी के वकील नईम खान को हिरासत में लिया। सिविल लाइन के सुप्रीम प्लाजा से हिरासत में लिया गया नईम। दरअसल फ्लैट नंबर 503 से इसे हिरासत में लिया गया और सिमी से जुड़े संदिग्धों और अबू सलेम की वकालत ये कर चुका है नईम खान। और देर रात से जबलपुर में एनआईए की टीम मौजूद है। दरअसल नईम को कहां ले जाया गया ये तो अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नईम खान को हिरासत में ले लिया गया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिविल लाइन के सुप्रीम प्लाजा से नईम खान को हिरासत में लिया गया है। और पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पवन, क्या डिटेल्स मिल पा रही है नईम खान के हिरासत के बारे में? जी बिल्कुल, जबलपुर में एनआईए की टीम देर रात से जमी हुई है और इस वक्त हम उस फ्लैट में खड़े हैं, उस अपार्टमेंट में खड़े हैं जहां से एडवोकेट नईम खान को हिरासत में लिया है एनआईए की टीम ने। कहां ले जाया गया यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन करीब एक घंटे पहले नईम खान को हिरासत में लेकर गए हैं। और ये देख सकते हैं कि इस फ्लैट में जहां पर वो रहते हैं 503 नंबर जो फ्लैट है उसमें रहते हैं और यहां पर उनका नेम प्लेट में नाम भी लिखा हुआ है एडवोकेट नईम खान। नईम खान की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो नईम खान वो वकील हैं जिन्होंने सिमी के जो टेररिस्ट थे, संदिग्ध थे, उनकी वकालत की है। इसके अलावा अबू सलेम और उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी की भी वकालत की है, जिसके तहत कई बार मोनिका बेदी जबलपुर में आई थी और यहां पर उनको कोर्ट में पेश किया गया था। उस वक्त भी नईम खान उनके साथ थे, उनके पक्ष से उन्होंने कोर्ट में दलीलें भी दी थी। और तमाम तरह की चीजें जो बातें सामने आ रही हैं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिमी के साथ साथ और कई एजेंसियों के साथ भी बतौर वकील नईम खान जुड़े रहे हैं और यही वजह है कि एनआईए ने उन्हें भी संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया है। फिलहाल जबलपुर में तकरीबन 5 लोगों को देर रात से एनआईए ने अपने कब्जे में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनके घरों से कई तरह की सामग्रियां मिली हैं, हथियार मिलने की भी सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही कई ऐसी सामग्री जो पठित सामग्री है, जिसे लिटरेचर कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है, वह भी जब्त किया गया है और इसी के तहत जांच चल रही है।
इनपुट ये भी है कि दिल्ली की एनआईए टीम को इस पर पूरे मामले पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर, रतनपुर कोटा मार्ग का पुल टूट गया। दरअसल मरवाही से संपर्क कट गया है, यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। चांपी नाला का ये पुल टूट गया, दरअसल हाल ही में ये पुल बनाया गया था और अब ये पुल धराशायी हो चुका है। इस पुल के निर्माण कार्य की और निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की जो तस्वीर है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छी क्वालिटी का सामान इसमें इस्तेमाल किया गया था कि ये पुल अभी से धराशायी हो गया। और कांकेर से बड़ी खबर, जलाशय से पानी खाली करने के मामले में एसडीओ को दूसरा नोटिस जारी किया गया। इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर अधीक्षण अभियंता का नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब, नहीं देने पर वेतन से पानी का पैसा वसूली के लिए काटा जाएगा और एसडीओ आरके धवन से पानी के पैसे की वसूली होगी। तीन दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं देने पर वेतन से पानी के पैसे की वसूली होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।